वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप बता रहा हूँ आपको कार्बन 41 पावर के बारे में, और यहाँ पे हम फ्लैश करना बताएंगे और उसे डेड रिकवर भी करना बताएंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम रिसर्च टूल को ओपन करेंगे, उसमें उस फाइल को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें जैसे ही रिसर्च टूल ओपन होगा, और जैसे कि ओल्ड वर्जन तो उसको लेता ही नहीं है, फाइल लास्ट बताता है, पर लेकिन दूसरा वाला टूल है, आप देख सकते हैं 17.0.00 कुछ है, तो ये वाला टूल में दरअसल यही काम करेगा। और यहाँ मैंने ये आपको यूज़ करके बताया है, जैसे कि फैक्ट्री टूल में क्या है कि जैसे कि वो थोड़ा बढ़ने के बाद वो डिस्कनेक्ट बता देता है, पर लेकिन उसे ऐसा करें बता देने तो उसको रिमूव करके हम जो पहले वर्जन बताया था उस वर्जन को लेंगे, ठीक है। उस वर्जन में हम क्या करेंगे, फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, 17 पॉइंट वर्जन है वो, उस वाले को, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसी से ही इसका डेड रिकवर होगा और वही इसे फ्लैश करेगा, ठीक है। सो आप इसे यूज़ करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो वो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है, और मैं उसकी जानकारी आपको भेज दूँगा, ठीक है। और ये देखिए मैंने ये सेट डेड रिकवर कर दिया है, ठीक है, देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। लाइक और शेयर कर सब्सक्राइब जरूर।